हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन मोगा में आपका स्वागत है। मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर वीना मैम आज आपको सोशल साइंस के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर और ब्लैंक्स करवाऊंगी। देखो बच्चे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स होते हैं बच्चे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? इन लिस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्स। इन लिस्ट होते हैं सूची बनाओ, डिफरेंट होते हैं अलग अलग फॉर्म्स होते हैं प्रतिरूप, ठीक है। ब्रह्मांड के अलग अलग प्रतिरूपों की सूची बनाओ, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर करते हैं। यूनिवर्स पहले करेंगे हम कि ब्रह्मांड क्या होता है। द सन, द प्लैनेट्स, द अर्थ, द मून एंड स्मॉल बिग स्टार्स, डस्ट, गैसेस एक्सेट्रा, ऑल आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सन होते बच्चे सूर्य, प्लैनेट्स हो गए हमारे ग्रह, अर्थ पृथ्वी, मून चंद्रमा, स्टार्स तारे, डस्ट धूल, गैसेस होगी गैसी, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे ब्रह्मांड में इन्वॉल्व है, उपस्थित है। द यूनिवर्स इज द वास्ट। वास्ट होते बच्चे विशाल, ठीक है। एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होते व्यापक। स्पेस है मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, कि हमारा जो ब्रह्मांड है इतना विशाल व्यापक अपार है कि उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सियां हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के प्रति रूप। फर्स्ट है द गैलेक्सी, मिल्की वे बची आकाशगंगा, प्लैनेट्स हो गए हमारे ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हो गए हमारे उपग्रह हैं। आगे है हमारा एस्ट्रॉइड्स होते हैं बच्चे क्षुद्र ग्रह, इन्हें छोटे ग्रह भी कहा जाता है। कॉमेट्स होते हैं बच्चे धूमकेतु, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, जिस तारों के पीछे एक रोशनी होती है, रोशनी की पूछ होती है, उसे पुच्छल तारा कहते हैं बच्चे। मीटियर्स होते हैं हमारे उल्का अर्थात टूटता तारा। एंड मीटियोराइट्स होते हैं बच्चे उल्का पिंड एक्सेट्रा। बच्ची हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए प्लैनेट। प्लैनेट होता है ग्रह। ग्रह क्या है? इस अवर अर्थ प्लैनेट, क्या हमारी पृथ्वी ग्रह है? हाउ, कैसे, ये हम बताएंगे। आंसर देखो बच्चे, प्लैनेट होते हैं ग्रह। द वर्ड प्लैनेट इन ग्रीक लैंग्वेज, जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है बच्चे। मीन्स ऑल दी मूविंग थिंग्स, क्या है कि इसका मीनिंग है कि वह सभी वस्तुएं मूविंग होते हैं, जो गति करती हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स आर द सॉलिडफाइड गैशियस बॉल। सॉलिडफाइड होते हैं ठोस, गैशियस होते हैं गैसीय, बॉल्स होती हैं गेंदें, ठीक है। ये ठोस गैसीय गोले हैं मूविंग अराउंड द सन, जो मूव करते हैं, गति करते हैं सन के इर्द गिर्द। इन्हीं पर्टिकुलर होते हैं निश्चित डायरेक्शन दिशा में इन द स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में। बच्ची आगे हमारा क्वेश्चन है, इज अवर अर्थ प्लैनेट, क्या हमारी पृथ्वी एक ग्रह है? यस, अर्थ इज ए प्लैनेट। प्लैनेट मतलब पृथ्वी हमारी ग्रह है। इट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हीट होते है गर्मी, लाइट होता है रोशनी, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो गर्मी और रोशनी कहाँ से प्राप्त करती है? सन, सूर्य से। एंड मूव्स अराउंड इट, और गति करती है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब निश्चित दिशा में इन द स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में, ओके। बच्चे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर सिस्टम। सूर्य परिवार से आप क्या समझते हैं? ए पार्ट ऑफ मिल्की वे डैट कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड सन, ठीक है। बच्चे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो आकाशगंगा का एक भाग है। कंसिस्ट होते हैं मिलके बना है, किससे मिलके बना है वो? 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रहों से और सूर्य से, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, सूर्य परिवार। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम, मतलब सूर्य परिवार का केंद्र है। बच्चे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन लिस्ट द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। लिस्ट मतलब सूची, डिस्टेंस दूरी होते, प्लैनेट्स ग्रह होते हैं सन सूर्य से, ठीक है।
करके उन ग्रहों की सूची बनाओ जो सूर्य से दूर हैं। आल्सो टेल विच प्लैनेट्स इज फर अवे, कौन सा ग्रह सबसे दूर है एंड विच इज़ द नियरेस्ट, कौन सा सबसे नज़दीक है। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट ग्रह कौन सा है? मरकरी। मरकरी को क्या कहते हैं बच्चे? बुध। सेकंड है हमारा वीनस, वीनस है शुक्र ग्रह। थर्ड है हमारा अर्थ, अर्थ क्या है? हमारी धरती। नेक्स्ट मार्स, मार्स है मंगल। जुपिटर है बृहस्पति ग्रह है। सैटर्न है हमारा शनि ग्रह है। यूरेनस है हमारा अरुण ग्रह। नेपच्यून है हमारा वरुण ग्रह। बच्चे नेपच्यून इज़ द फर्देस्ट, मतलब सबसे दूर है ये, और मरकरी इज़ द नियरेस्ट, ये सबसे नज़दीक है सूर्य के। बच्चे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखो। इन लिस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्लैनेट, ठीक है, हमने सूची बनानी है ग्रहों की साइज के अकॉर्डिंग। तो आंसर देखो इसका, सबसे फर्स्ट क्या आएगा? हमारा मरकरी मतलब बुध ग्रह है। उसके बाद आएगा मार्स मतलब मंगल ग्रह है। वीनस होते हैं बच्चे हमारा शुक्र ग्रह है। अर्थ होती है हमारी पृथ्वी, ओके। नेपच्यून होते हैं हमारा वरुण ग्रह है। यूरेनस होते हैं बच्चे हमारा अरुण ग्रह है। और सैटर्न होते हैं हमारा शनि ग्रह है। जुपिटर होते हैं हमारा बृहस्पति ग्रह। बच्चे आगे हमारा क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? प्लैनेट मतलब ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? ए प्लैनेट इज ए गैसियस बॉल, ये गैसीय गोले होते हैं बच्चे, डैट मूव्स अराउंड, जो मूव करती है मतलब गति करती है अराउंड द सन मतलब सूर्य के चारों ओर। इट हैज़ नो हीट, इनमें ना तो गर्मी होती है और लाइट ना ही रोशनी होती है। ऑफ इट्स ओवन अपने, ठीक है, ना इनकी अपनी गर्मी होती है ना रोशनी होती है। ऑल प्लैनेट्स गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, ये रोशनी और गर्मी किससे लेते हैं? सूर्य से। नेक्स्ट है बच्चे हमारा मीटियर्स। मीटियर्स क्या होते हैं बच्चे? उल्का अर्थात टूटता तारा। मीटियर्स आर आल्सो नॉन एज शूटिंग स्टार, इन्हें बच्चे शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। दे आर स्मॉल बॉडीज विच कम फ्रॉम इंटर प्लैनेटरी स्पेस, बच्चे इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे शरीर वाले होते हैं जो इंटर प्लैनेटरी स्पेस से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्फीयर, स्फीयर होते हैं क्षेत्र या स्थान। सच स्फीयर विच आर फ्लैट ऑन द टॉप, बच्चे टॉप से फ्लैट होते हैं और बॉटम आर कॉल्ड स्फीयर, ठीक है। ऐसे स्थान जो शीर्ष और नीचे पर फ्लैट होते हैं उन्हें कहते हैं गोलाकार। अवर अर्थ इज एन ओबल्ड स्फीयर, ठीक है, बच्चे जो हमारी धरती है वो एक छपटा गोला है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा इक्वेटर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, मतलब ये काल्पनिक रेखा है। डैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट तक क्या करती है? रन करती है, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र में। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हॉल्स, जो पृथ्वी को दो क्या है? बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। धरती के मध्य में पूर्व से पश्चिम की तरफ दो सिरों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है हमारा टेल स्टार, बच्चे टेल स्टार होते हैं हमारे पुच्छल तारा, ठीक है। ए कोमेट्स इज कॉल्ड ए टेल स्टार, बच्चे कोमेट्स को क्या कहते हैं? टेल स्टार पुच्छल तारा। इट इज ट्रेल्ड बाय ए लॉन्ग टेल ऑफ लाइट, इसके पीछे क्या होती है? एक रोशनी की लंबी सी रेखा होती है, इसलिए इसे टेल स्टार कहते हैं। बच्चे नेक्स्ट है हमारा एक्सिस। एक्सिस होती है हमारी अक्षियां दूरी। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ये कल्पित रेखा है। डैट पासिस थ्रू, जो पास होती है एंड ज्वाइंट्स मिलती है नॉर्थन पोल एंड साउथन पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब ये बच्चे वह कल्पित रेखा जो धरती के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक धरती के मध्य में से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस मतलब धुरी या अक्ष। बच्चे नेक्स्ट है हमारा
एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट, ये बच्चे छोटे छोटे ग्रह हैं विच रिवॉल्व अराउंड दी सन, जो रिवॉल्व करते हैं घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। बच्चे हमारा नेक्स्ट है ल्यूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, जब पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। एंड द मून मूव्स अराउंड दी अर्थ, और चंद्रमा पृथ्वी के गिर्द घूमता है। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है बच्चे, तो इट कास्ट्स इट्स शैडो ऑन द मून, तो उसकी छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इट इज़ कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स, मतलब उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। आगे बच्चे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है हमारा अवर अर्थ, हमारी धरती। इज़ फ्लैट स्फीयर, फ्लैट स्फीयर है। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बच्चे हम ऑब्लैट स्फीयर। ठीक है, ऑब्लैट स्फीयर मतलब चपटा गोला। सेकेंड हमारा द सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द अर्थ इज़ डैश, वो कितने किलोमीटर है बच्चे, 40,000 किलोमीटर। क्या 40,000 किलोमीटर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, धरती का घेरा। बच्चे थर्ड है द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑफ इक्वेटर इज डैश किलोमीटर, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ एट पोल इज डैश। क्या कहा गया कि धरती का भूमध्य रेखा से बच्चे जो इक्वेटर मतलब डायमीटर व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, ये धरती का भूमध्य रेखा से व्यास है। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ अर्थ एट पोल्स, ध्रुवों पर कितना व्यास है उनका, तो उनका है 44 किलोमीटर। समझ आया सबको, वेरी गुड, ओके।